अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज तलहा फ्रॉम तलहा रिव्यूज YouTube चैनल। गाइस, 2021 का Vivo का सबसे ज्यादा सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी जो स्मार्टफोन है वो है ये वाला स्मार्टफोन। यस, आपको पता है कि सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स जो है वो प्राइजेस इंक्रीज कर रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स की प्राइजेस इंक्रीज हो भी चुकी हैं, लेकिन Vivo की तरफ से ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ और इसी वजह से ये फोन सबको टक्कर देगा। यस, इसमें आपको सबसे बेस्ट कैमराज देखने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलती है, 11 GB रैम देखने को मिलती है एंड मैनी मोर। जी हाँ, ये है Vivo V21e। 40 से 45 हज़ार के बजट आपको बेस्ट डिवाइस चाहिए ना, तो यही डिवाइस है। मैं क्यों बोल रहा हूं, वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीजें डिटेल के साथ बताने वाला हूं। इस वीडियो में गिव अवे भी है, वो गिव अवे है फिर से टेक्नो के हाई पोर्ट्स। मेरे पास अभी 3 गिव अवे हो चुके हैं एंड आज या कल जो है वो लाइव स्ट्रीम करूंगा और विनर्स को अनाउंस कर दिया जाएगा। सो इस वीडियो को मेक श्योर एंड तक देखिएगा, रूल्स आपको आगे चलकर बताता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। देखो, अगर अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियोस के साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो भाई, लेट्स बिगिन। अनबॉक्सिंग आपने देखी, सो कैसी लगी लाजमी से बताइएगा। शॉर्ट अनबॉक्सिंग थी, फर्स्ट टाइम ट्राई किया बट जो भी आता था कर दिया। इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो कमेंट्स में बताइएगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स भी थी बट इंशाल्लाह इंप्रूव करूंगा। खैर, आते हैं V21e की तरफ। यार, इसकी अगर प्राइस की बात करूँ ना तो प्राइस इस फोन की है 46,000, ठीक है। लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करूँ तो ऑफलाइन मार्केट में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट Vivo ही देता है एंड नाउ ऑफलाइन का जो बादशाह है, ऑफलाइन मार्केट का जो किंग ब्रांड है वो Vivo ही है। सबसे ज़्यादा Vivo के स्मार्टफोन सेल होते हैं और इनकी रीसेल वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है और ये ऑफलाइन में टॉप क्लास ब्रांड है। लेकिन अभी के लिए ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और डिस्काउंट की बात कर ली जाए, देखो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल करे कि आपको यही फ़ोन लेना है V21e, तो आप मेरे थ्रू परचेज कर सकते हैं अदील मोबाइल से, जहाँ पर आपको डिस्काउंट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा और भी आपके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो अगर दिल करे ये फ़ोन लेने का या कोई भी फ़ोन लेने का, तो यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ यार, लाजमी से चेक करना। खैर, आते हैं इस फ़ोन की तरफ। 42 के राउंड ये आपको देखने को मिल जाएगा, होप्स इससे थोड़ा कम भी मिल सकता है बट 41 प्लस ही मिलेगा आपको, 40 तक नहीं मिलेगा। बात करते हैं इस फोन की, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.44 इंचेस का डिस्प्ले, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। 60 हर्ट्ज का नॉर्मल पैनल है, नोच के साथ आ रहा है, जहाँ पर आपको 44 मेगापिक्सल्स की सेल्फी देखने को मिलेगी। गाइस, डिस्प्ले एक नॉर्मल डिस्प्ले है बट सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, कलर्स वगैरह हैं, व्यूविंग एंगल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आते हैं। गाइस, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है एंड IPS LCD से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, सुपर एमोलेड है। और यहाँ पर आपको जो है वो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा और ये टेक्नोलॉजी Vivo ही लेकर आया था। सो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि अच्छा खासा वर्क करता है। सो डिस्प्ले के मामले में बात करें तो टोटली सेटिस्फाइड फ्रॉम डिस्प्ले, बट हाँ, नोच मिल रही है अभी भी, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। गाइस, मज़े वाली बात बताता हूँ, अगर आपको पता है कि Vivo V20 का, तो ये बिल्कुल वही फ़ोन है। यस, ये Vivo V20 ही है। एंड अगर आपको एक और चीज़ का पता हो कि यार, जब इंडियन रिव्यूअर्स को जो है वो Vivo V20 के रिव्यू यूनिट्स भेजे गए थे तो उनके साथ एक उनको अलग से बैक पैनल भी भेजा गया था, तो वही सीन यहाँ पर हो रहा है। ये टोटली V20 ही है बट यहाँ पर बैक पैनल चेंज कर दिया गया है, जहाँ पर डिज़ाइन जो है वो चेंज कर दिया गया है। खैर, डिज़ाइन की तरफ आ ही रहे हैं तो बात करते हैं डिज़ाइन की, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्प्ले की थोड़ी और डिटेल्स दे दूँ, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये Vivo V20 ही है। सो इसी वजह से मैंने दोनों स्मार्टफोन्स Vivo V20 और Vivo V21e दोनों के डिस्प्ले चेक किए आउटडोर में, मेरे दोस्त के पास था V20, तो यार बिल्कुल टोटली सेम निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल टोटली सेम, कुछ भी फ़र्क नहीं है। मैं कहता हूँ कि 1% का फ़र्क होता ना, वो भी नहीं है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्प्ले सेम है। एंड बैक की बात करूँ, मैंने आपको बताया कि बैक पैनल चेंज है, डिज़ाइन चेंज है और बैक जो है वो मैट फिनिश के साथ आ रही है और साथ में जो ग्लास मटीरियल यूज़ किया गया है बैक में, उसको ये AG ग्लास बोलते हैं। सो मैट फिनिश के साथ आ रहा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, शाइनी सा डिज़ाइन है, डायमंड कट्स बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा OP लग रहा है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल्स का है, 8 का अल्ट्रावाइट, 2 का डेप्थ सेंसर। गाइज, आते हैं कैमरा पार्ट्स की तरफ, बिकॉज यार कैमरा काफ़ी ज़्यादा OP निकल कर आ रहे हैं स्मार्टफोन से। एंड यार, मैं कहता हूँ कि अगर आपको 40 से 45 हज़ार के बजट में एक बेस्ट कैमरा डिवाइस चाहिए तो आप इसकी तरफ जाएँ, ना कि 108 मेगापिक्सल्स की मार्केटिंग गिमिक की तरफ जाएँ, बिकॉज इसके कैमरा
काफी ज्यादा ओपी हैं। इसका एआई सिस्टम, इसका कैमरा, यूआई, सारी चीजें बेस्ट हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो यहाँ पर कैमरास की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सारी चीजें जो है वो कैमरा की डिटेल के साथ यहाँ पर मैं पिक्चर्स आपको शो करवा देता हूँ। और यहाँ पर आपको स्लो मोशन भी देखने को मिलता है, 120fps, 240fps और 1080p के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट से जो है वो आप 4K तक फोटेज रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइज अगर आपको कैमरा रिव्यू चाहिए तो लाजमी से अभी से कमेंट कर दें ताकि मैं कल तक इसका कैमरा रिव्यू भी ले आऊँ। सो अभी आप सैंपल्स देखें, बाद में मिलते हैं। गाइस कैमरा सैंपल्स आपने देखे, लाजमी से बताइएगा कि आपको कैसे लगे। यार मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं इतने पैसे मतलब कि किसी फोन के ऊपर स्पेंड करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये काफी ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन है और इसका जो वेट है वो 162 ग्राम्स है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फोन है यार। लेकिन एक चीज वीवो के स्मार्टफोन में थोड़ी सी वेट लगती है, वो ये है इनका बैक पाउच, या बैक कवर जिसको आप बोलते हो। ये ना एक तो पहले तो पहनाना बहुत मुश्किल है, उसके बाद थोड़ा सा उतारना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ये टाइट होता है, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा फिट आता है एंड अच्छा भी लगता है। एंड गाइस इस फोन के स्पीकर की बात कर ली जाए, बॉटम पे एक ही सिंगल स्पीकर आ रहा है, उसकी क्वालिटी में अभी आपको चेक करवा देता हूँ और देखते हैं क्वालिटी कैसी है। गाइस स्पीकर क्वालिटी की अगर बात करूँगा तो सीरियसली जो एक नॉर्मल स्पीकर की क्वालिटी होती है उससे थोड़ी सी बेहतर कह सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि नॉर्मल स्पीकर से थोड़ी सी बेहतर है, बाकी एज़ यूजुअल जो क्वालिटी होती है वही क्वालिटी निकल कर आ रही है, मतलब कि गुजारा हो जाएगा स्पीकर्स के मामले में भी। एंड गाइस अब बात करते हैं इनकी एक जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ है इन स्मार्टफोन्स में वीवो के, वो ये है कि यहाँ पर ये आपको 8GB रैम तो दे देते हैं, उसी के साथ में आपको 3GB एक्स्ट्रा रैम भी दे देते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाय द वे ये जो स्मार्टफोन आ रहा है 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। खैर मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं 8GB के साथ 3GB रैम का क्या सिलसिला है। 3GB आपको वर्चुअल रैम देखने को मिलती है जो कि 11GB बन जाती है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इनकी मार्केटिंग गिमिक है। तो बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये जो रैम होती है वर्चुअल रैम, ये आपकी स्टोरेज को ही यूज़ करके जो है वो रैम में कन्वर्ट की जाती है। और आपका क्या ख्याल है कि जैसे रियल रैम वर्क कर रही होती है जो कि 8GB है, ये उसी तरह वर्क करती है? नहीं, आप गलत है इस बात में। इसको आप एज ए हेल्पर ले सकते हैं। यस, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक आपकी 8GB रैम है और आपने बहुत सारी एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है, एंड जो रैम है वो बिल्कुल फुल है 8GB। अभी आपको कुछ और टास्क करना है तो आपकी रैम तो फुल है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक टाइम पे सारी एप्लीकेशन तो यूज़ नहीं कर सकते ना। एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर ओपन है, रैम पर ओपन है, बट 8GB फुल है। तो जब आप कोई न्यू एप्लीकेशन ओपन करेंगे जिसको आपने यूज़ करना है, तो जो बैकग्राउंड पर होंगी उनमें से कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो वर्चुअल रैम पर चली जाएंगी, वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। एंड नाउ जो एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे वो उसी वक्त आपकी रैम में लोड हो जाएगी। एंड इसी तरीके से जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे जो पीछे बैकग्राउंड पर एप्लीकेशन होगी वो वर्चुअल रैम में चली जाएगी, एंड आपकी न्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और आपको ट्रांसफर करने में एप्लीकेशन या फिर जो है वो मल्टीटास्किंग करने में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पीड वैसे ही एज यूजुअल जैसी आ रही होगी वैसे ही आएगी, बट ये जो 3GB रैम होती है इसको आप एज ए हेल्पर ले सकते हैं। बाकी जो 8GB रैम है वो आपकी रियल है और जो 3GB है वो वर्चुअल रैम है। आई होप कि आपको समझ आ गया है। एंड गाइस इस फोन में आता है स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर। जी हाँ 720G, इनकी इज्जत करें यार। सो 720G की परफॉर्मेंस की बात कर लें बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पबजी की बात करूँ तो यहाँ पर आप जो है वो स्मूथ विद अल्ट्रा खेल सकते हैं, एंड यहाँ पर ग्राफिक्स तो ठीक है, अच्छे ग्राफिक्स निकल कर आ रहे हैं। जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आ रही है। और रात को इसके ऊपर आई थिंक से ओके मैंने 5 से ज़्यादा ही मैचेस प्ले किया और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ निकल कर आया, किसी भी किस्म का लैग वगैरह फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिले। एंड अगर आप बोलेंगे तो इसका गेमिंग रिव्यू भी ले आऊँगा। बेसिकली यार ये एक ऑलराउंडर डिवाइस है जहाँ पर आपको गेमिंग भी अच्छी दी जा रही है, एक अच्छा कैपेबल प्रोसेसर दिया जा रहा है, अच्छे कैमराज दिए जा रहे हैं, अच्छा डिज़ाइन दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, वो है स्मार्टफोन की बैटरी। जी हाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, मतलब कि ये इसीलिए करते हैं स्मार्टफोन स्लिम हो सके, लाइट वेट हो सके। और गाइज अब बात कर लेते हैं गिव अवे की। यार गिव अवे रूल्स ये हैं कि हर बंदे ने सिर्फ 2 कमेंट्स करने हैं और आपकी मर्जी है आपने क्या कमेंट्स करने हैं, बट 2 कमेंट्स हर बंदे ने करने हैं। तो लाजमी से कमेंट कीजिएगा ताकि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कर सकें। और इसमें आती है भाई 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग विद टाइप सी कनेक्टिविटी। गाइज बैटरी में कॉम्प्रोमाइज है, बाकी ओवरऑल अगर फोन को लेकर बात करूँ तो देखो 8GB रैम मिल रही है, 3GB वर्चुअल रैम भी मिल रही है। लाइक मल्टी टास्किंग में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, गेमिंग भी आप साथ में कर सकते हो अगर आप गेमिंग के भी इशू
Geno Snapdragon 720G मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा और कैपेबल प्रोसेसर है। एंड नाउ इसी के साथ में आपको 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेटअप भी मिल रहा है, डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है, 44 मेगापिक्सल्स की सेल्फी भी देखने को मिल रही है और एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ब्रांड वैल्यू यार, इसकी सबसे ज़्यादा रीसेल वैल्यू है वीवो की ऑफलाइन मार्केट में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर आप में से कोई वीवो यूज़ कर रहा है तो कमेंट्स में मुझे लाजमी से बताइएगा कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। सो अगर अपनी बात करूँ यार, मुझे ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, सीरियसली मैं इसके ऊपर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, बट पैसे नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक अच्छी सी डिवाइस लेने की सोच रहे हैं तो इसकी तरफ आप लाजमी से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओपी डिवाइस है और मैं इससे फुली सेटिस्फाइड हूँ यार, मेरा तो दिल आ गया इस डिवाइस पे। बाय द वे आपको वीडियो कैसा लगा है, अगर कुछ मिस्टेक है, कुछ पूछना है, जो भी आपके मन में आपका क्वेश्चन है लाजमी से कमेंट से पूछिएगा, बट आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर कुछ मिसगाइड किया हो तो कमेंट्स में आप फीडबैक दे सकते हैं। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करके जाना भाई, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।